स्वागत है गाइस आप सबका एक और नए गेम प्ले में। आज हम खेल रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का एपिसोड 5 भाई। कॉल ऑफ ड्यूटी कौन सा? मॉडर्न वॉरफेयर 3 वाला भाई। और यहाँ पे मिशन काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि भाई यहाँ पे एक बड़ी सी साजिश रखी जा रही है। जो ये बंदा देख रहे तुम भाई, यही वो बंदा है रशिया का कमांडर, और ये यहाँ पे एक बड़ी सी साजिश करने वाला है। साजिश कैसी? और इसका ये इस्तेमाल करेंगे इस पैसेंजर वाले मिशन के अंदर, जिसमें देख सकते हो एक एरोप्लेन है जो कि रशिया में है और ये यहाँ से उड़ान भर के सोची की तरफ जा रही है। हमारे सामने कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही है। इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, एक ट्रैवलर उससे पूछ रहा है नाइस फैमिली, और इसका नाम है समारा। तो समारा अपनी फैमिली से बातें कर रही थी और एक बंदे ने उसे टोक दिया है, और वो बंदा कह रहा है कि फैमिली ही सब कुछ है। वो कहती हाँ नाइस, और उसके बच्चे का आज बर्थडे है, वो भी उसकी बेटी का। तो वो कहता है ओहो, देख करके खुश हो जाता है वो भी, लेकिन किसको क्या पता उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है। जैसे ये लगता है ये सब कुछ जानता है, वो उसकी बेटी का नाम बताता है, बच्चे का नाम बताता है, उसके पति का नाम बताता है। अब लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है और उसे पूछती भाई है कौन तू? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। और वो समारा को बताता कि तू यूएलएफ में थी और रशिया के खिलाफ तूने लड़ाई करी थी, ऐसे कैसे तूने रशिया के खिलाफ लड़ाई कर ली? और उसने अपनी जेब से एक गन निकाल ली। भाई इसको एरोप्लेन में गन कहाँ से मिल गई और ये लाया कैसे? भाई सब मिले हुए हैं यहाँ पे। वो उसको कहता कि अगर तेरे को भाई अपनी सलामती चाहिए तो हमारी बात मान। और भाई वो खड़े हो जाते हैं और प्लेन अचानक से हिलने लगती है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट मुझे उसे टेक डाउन करना पड़ेगा कि नहीं। मैं तो यहाँ उसके साथ चले जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। ओ भाई इसने सीधा एयर होस्टेस के ऊपर गन तान दी और सारे बंदे उसके ऊपर गन एक दूसरे के ऊपर तान रहे हैं। और लो हमने उसे बचा लिया, लेकिन ये अबे मुझसे मत डरो, मैं तो बचा रहा हूँ तुम्हें। और ये जितने भी बंदे मुझे टेक डाउन तो कर दिया है, लेकिन अरे नहीं 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 भाई। और ये क्या हो गया, फ्लैश ग्रेनेड कहाँ से आ गए यहाँ पे? अरे भाई ये लो, एक बंदे ने हमें मार दिया है। एक नॉर्मल समारा थी जो यूएलएफ में थी। यूएलएफ कौन? उज़्बेकिस्तान से भाई, उज़्बेकिस्तान से ये लड़की को उठा करके हरकतें करने वाले, अब तो कुछ ना कुछ करेंगे। ओ ये रहा भाई मकरोव, ये रहा भाई मकरोव ही जो कर रहा है कर रहा है। ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसके हाथ में पैराशूट है। तो क्या ये हमें पैराशूट दे रहा है? नहीं ये पैराशूट नहीं, बम है। भाई मैक्रोव ने उसके शरीर पे बम लगा दिया और ये देखो टाइमर भी स्टार्ट कर दिया, सिर्फ 1.5 मिनट में ये बम फटने वाला है। ओबे यार ये कर क्या रहा है, ये पागल हो चुका है। और इसने पैराशूट पहन रखा है तो ऑफ कोर्स ये यहाँ से भागेगा। पैराशूट तो नहीं है वो, उसके वेस्ट लग रही है, लेकिन ये यहाँ से भागेगा। मुझे नहीं लगता एयरप्लेन में रहेगा, पर ये सारे पैसेंजर को उड़ा देगा ताकि रशिया को ये लगे कि उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। भाई और ये अटैक किसने किया होगा? कोई तो होगा दुश्मन उसका, जैसे अमेरिका। भाई नाम नहीं लेना चाहिए, बट यार मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इस गेम के अंदर यही किया जा रहा है। एक खतरनाक पॉलिटिक्स खेली जा रही है जहाँ पे रशिया का आदमी अपने लोगों की फिक्र नहीं कर रहा। और वैसे भी ये इस गेम के अंदर है भाई, ये लोग कूदने वाले हैं, पायलट भी साथ में कूद रहा है। ऑफ कोर्स पायलट भी मिला हुआ है, पर उसे फर्क नहीं कि एयर होस्टेस भी मारी जाएंगी यहाँ पे। और ये उसे पैसेंजर के सामने ढकेलने वाला है बम पहना करके। अरे भाई ये मैं समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसके चेहरे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करने के लिए। और ये क्यों, इसने एक बार रशिया से लड़ाई भी करी थी तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसको मारना ही है तो एक अलग तरीके से मारे ताकि नाम किसी और पे जाए और भाई सब बच जाए। अरे भाई भाई मेरी मदद करो भाई, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, कैसे मदद कर लूँ इससे? गन नहीं तारनी थी। अरे भाई नहीं यार मेरे को मदद करो, हम वो बम को नीचे फेंक सकते हैं प्लेन से। अरे भाई ये फटने वाला है वो फोन को। भैया उस लड़की ने फोन ही फोड़ दिया, मतलब फोन का वो बटन दबा दे जिस वजह से ये बम फट गया। और देखो ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, अब 133 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। भाई ये प्लेन क्रैश कर गई है, देखो सर्च फॉर फ्लाइट का भी आ गया ऑप्शन, पैसेंजर फुटेज भी निकल चुकी है। ओ यार नहीं, इसमें पक्का कोई ना कोई सबूत होगा जिससे इन्हें पता चल सके कौन है, पर ये लड़की फंसेगी तभी तो इसका चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वो बंदा मिल चुका है जो कर रखा, और ये यूएलएफ पे नाम लग गया है। उज़्बेकिस्तान कोई हरकत नहीं कर रही, लेकिन ये बंदा उज़्बेकिस्तान को फंसाया जा रहा है ताकि वो भी भाई इसमें घिसी पटे आए। इससे क्या हो जाएगी भाई, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं। करीम फरा यूएलएफ से है, उज़्बेकिस्तान से है भाई, और वहाँ की अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहेगी। और उसके खिलाफ जो साजिश हो रही है मैक्रोव, उसके देश को खत्म करने के लिए भाई अपने देश वालों को उड़ाने को तैयार है, और उसकी मदद अमेरिकन वाले करेंगे। उज़्बेकिस्तान में शुरुआत हो चुकी है, देखते यहाँ पे कौन आया है बाइक के अंदर। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा शूट कर रहा है इसके ऊपर। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, लग रहा है ये क्रैश साइट पे जा रहे हैं। ये दोनों चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे आखिर कौन है जिसने ये हरकत करी है, क्योंकि यूएलएफ वाले नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब है इनमें उज़्बेकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये किसी और की साजिश थी तो हमें पता है, बट ये सबूत ढूंढने गए हैं।
ओके ये क्रैश साइट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पे इन्हें डर है कि सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी कौन हो सकता है भाई? कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्रैश साइट पे तो कोई ना तो कोई पहुंच चुका होगा इनसे पहले। तो इनका कहने का मतलब है रशियन पीएमसी शायद रशियन के मिलिट्री वाले होंगे, पर वो कह रहा है नहीं, ये मैक्रोव के भी लोग हो सकते हैं और या फिर कोई और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें हायर किया गया होगा यहाँ पे। फरा ने डिसाइड करा कि वो छुप करके जाएगी और उसकी मदद एलेक्स करेगा। एलेक्स पीछे से कवर देगा, कहने का मतलब है वो दूर रहेगा बस हमारे मिशन से। एलेक्स हमें वहाँ से कवर देगा, हम आ चुके हैं क्रैश साइट पे और इस मिशन का नाम ही है क्रैश साइट। भाई यहाँ पे हमें सबूत ढूंढना है, मेरे ख्याल से यही हमारा मिशन होने वाला है। बट आगे चलते हैं, देखते हैं आगे होता क्या है। मेरे सामने दो बंदे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मैं उन्हें गोली मारूं कि नहीं, क्या पता वो अच्छे लोग हो और मैं उन्हें गोली मार के अपना दुश्मन बना सकता हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि उन्हें थोड़ा सा नॉकडाउन कर देता हूं, क्योंकि वो मेरे को आर्मी वाले नहीं लग रहे, ऐसा इसने बोला अभी लड़की ने, फरा ने। तो उसी हिसाब से हमने चाकू उसे वायर किया, यार हमने उनसे मार ही दिया इनडायरेक्टली। ये मुझे करना चाहिए था कि नहीं, ये बैड चॉइस तो नहीं है इस गेम के अंदर। मेरे सामने एक बंदा भाई, मैंने उसे गोली तो मार दी है, आगे चलकर देखते क्या पता और बंदे मिल जाए मेरे को। तो सामने मेरे दो बंदे और हैं भाई, और आगे चलकर और बंदे आएंगे क्योंकि ये पूरी जगह भरी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं धीरे धीरे नॉक करता हूँ, मेरे सप्रेसर तो लगा लिया है गन के अंदर, तो हेड शॉट ही लेते जल्दी से। अरे ओ बच गया, कहीं उसने चिल्लाया तो नहीं? वहाँ पे भी एक बंदा है, ये भी गया। चलो वहाँ पे आग जल रही है, एक बार जाके चेक करता हूँ वहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे भी बंदा है क्या? ये रहा, चलो गया। एक ये रहा, ओपे उसको पता नहीं चला मैंने सामने उसके बंदे को मार दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आर्मर लगा लेता हूँ, इससे मुझे हेल्प मिलेगी। वहाँ पे और भी बंदे हैं। ओ चलो भाई, एक गोली में मर जा रहे हैं यार, बाकी गेमों में ज्यादा गोलियां मारनी पड़ती हैं। ये सही, कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा रियलिस्टिक चीजें शो करता है भाई। गोली लगती है बंदा खत्म, क्यों बार बार बच जाएगा वो? फालतू में मुझे गोलियां नहीं चलानी चाहिए, मैं शांति से मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फोन मिला है जिसको हमने इतनी जल्दी हैक कर लिया भाई, और उस फोन के अंदर एक फुटेज भी मिली थी, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। वो अरबिक में चिल्ला रहे थे पैसेंजर। अरे यार वो अरबिक लोग भी यहाँ पे मरे गए हैं भाई, पूरे एरोप्लेन में आग लग रखी है, उसके आगे का हिस्सा है ये। और यहाँ पे एनिमीज देखनी पड़ेगी कितनी है। क्या हैक किया मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा, बस मैंने दबा दिया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन एरोप्लेन की इतनी बुरी हालत हुई है, और यहाँ पे देखो सूटकेस भी है। चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या पता कोई फोन हो। एक फोन मिला है, इसमें एक वीडियो है थोड़ी देर के लिए, और इसको पता चल चुका है कि वो उसकी एक सोल्जर में से एक थी। और एक बंदे को मैंने भाई टेक डाउन कर दिया है, मुझे जाना पड़ेगा इस रूम के अंदर, क्या पता इन्होंने और भी चीजें इकट्ठा कर रखी हो। यार क्रैश होने के बाद थोड़ी बहुत मलबा इधर उधर भी आ चुका है, और ये हर जगह क्यों फैले हुए हैं? क्या पूरे एरिया में सबूत फैला हुआ है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वरना हर जगह इतनी एनिमीज फैली हुई है ना, पूछो मत। तो भाई मैंने सब पे ना ट्रैक कर दिया है, जिससे मुझे आगे चलकर मदद मिलेगी उनको मारने में। अभी तुमको बताता हूँ कैसे होगा। पहले मैं यहाँ पे एक फोन मिला, उसको ट्रैक करते हैं। ओके तो समारा है, इसको पता चल चुका है कि समारा सी सोल्जर है उनमें से, और अभी हमें कोई सबूत अच्छे से नहीं मिला है। इसमें सारे सबूत उसी के खिलाफ है। यहाँ पे मैं इन सबको ट्रैक कर रहा हूँ, सारे सोल्जर्स को, ताकि एक बार मैं मार सकूँ। अभी हमें और जानकारी चाहिए, मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ, क्या पता यहाँ पे कुछ खास मेरे को मिल जाए। बाथरूम के अंदर आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे क्या है? कोई आ रहा है भाई बाथरूम के अंदर। अरे जैसी आओ वैसी पड़ गई गोली उसके, ये मुझे नहीं पता था कि वो मुझे तो नहीं ढूंढ रहे गई। सबको मैंने ट्रैक तो कर दिया है, पर आई होप कि कुछ गलत ना हो, कुछ तो बोला उसने। ओ पड़ी उसमें, अरे भाई ये सही जगह यार, मुझे यही रहना चाहिए। सारे बंदे आएंगे उनको मार दूंगा, बस कोई ग्रेनेड ना मार दे। भाई कोई बंदे आ रहे हैं, मुझे जल्दी से इन्हें मारना पड़ेगा क्योंकि और बंदे आ रहे हैं। मिशन में गलत जगह फंस चुका हूँ, ये देखो गोलियां चलने लग गई है, और एलेक्स कह रहा भागो यहाँ से जल्दी। मेरे सामने और भी एनिमी है, तो मुझे थोड़ा और सावधान होना पड़ेगा। ये देखो गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया यार, क्या उनके पास नाइट विजन है? अब तो भाई होने वाली है लड़ाई काफी खतरनाक, और कंटिन्यू हो रही है। जल्दी, मैं मरने वाला हूँ। रुको मेरे को रिवाइव करने दो, थोड़ा अपनी आपको हेल्थ। हाँ बताता हूँ, तो मेरे को ऑफ गार्ड इन्होंने कैच कर लिया। अब बताता हूँ, जल्दी से कवर लेना पड़ेगा मुझे अच्छी जगह। वो सामने से भी मार रहा है, वहाँ से भी मार रहा है, ये ले। और फिर से दूसरी जगह जाके कवर ले लेता हूँ, क्योंकि एक जगह नहीं रुक सकता भाई मैं यहाँ पे, मुझे घेर लेंगे भाई। बोरा वो काफ़ी गोलियाँ चला रहा है, ये गया, एक और रह गया वहाँ पे देखो। अबे कितने आ रहे हैं, ये तो बहुत आ रहे हैं, मैं ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता यार इनसे। अगर यही चलता रहा तो भाई मैं तो मरने वाला हूँ कन्फर्म। तो यहाँ से निकलने में ही भलाई है। एक गन मिली है यहाँ पे, पर मुझे नहीं लगता क्रॉसबो मेरे काम आएगी, वो तो साइलेंस के लिए काम आती है। यहाँ पे मुझे वायलेंट होना है भाई। इस कार के पीछे कवर ले लिया है, लेकिन चलो ये बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। अरे पास में कब आ गया ये? अबे गन रिलोड हो रही है, मेरे को जल्दी से एक और वेस्ट मारना पड़ेगा अपने शरीर के ऊपर।
मैं घूम करके दूसरी जगह आ चुका हूँ जहाँ पे एकदम सामने वाला फेस है। मैं वहाँ पे था भाई जहाँ पे आग जल रखी है अच्छे से। अब यहाँ से निकलते हैं। ये रहा एक बंदा, अब मैं तो निकल रहा हूँ भाई। अरे यार, जैसे ही मैं एकदम प्लान निकलने ही वाला था, ये लोग आ गए फिर से। रुको, अभी अच्छे से बताता हूँ इन्हें। अब तो नहीं छोड़ूंगा भाई, इन्होंने पीठ पीछे गोली मारी है। एलेक्स कह रहा है ट्रक के पास जाओ। ठीक है भाई, जा रहे हैं। कहाँ पे है ट्रक? लेकिन ये रही ट्रक। ओके, जल्दी से बैठो इसके अंदर और यहाँ से भागो इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ ले। अब हमें पता करना पड़ेगा ये कोनी कहाँ से है। कोनी कौन? ये जो बंदे आप देख रहे हो ये कोनी से ही है, और ये सारे के सारे हमला कर रहे थे हम पे, और ये आए कहाँ से? इन्हें कौन लाया है? ताकि हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। और ये फुटेज है क्या वहाँ की? शायद ये सारी की सारी फुटेज इन्हें मिली है जहाँ पे फरा हमला करते हुए दिख रही है, या फिर क्या करते हुए दिख रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। समारा, शी वॉज अ गुड फाइटर, तो लेकिन उसने ये यूएलएफ छोड़ दिया ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके, अपने परिवार को राइज करे। ओके भाई, तो यहाँ पे अभी भी कोई ढंग से सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि वो उसका ऑफ कोर्स हमारा का हाथ नहीं था, इस हरामखोर का था। इसने ऐसी हरकतें करी, और कौन ही ग्रुप की मदद ले रहा है जिससे ये सारे की सारी काम को अंजाम दे पा रहा है। लेकिन अभी हमारी वजह से ये चीज़ को कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि इसके पीछे समारा का हाथ था, क्योंकि इसने जाके वहाँ पे जो भी चीज़ थी उसको हैक कर लिया। बस कोई और सबूत बचा ना हो। अगले मिशन में जाके देखते हैं आखिर होगा क्या इसके बाद। भाई बहुत खतरनाक हो गया ये।